हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इंडियन यमी फूड। अभी हम लोग हरिद्वार में हैं एंड यहाँ पे देखिए, ये रामफल अभी आने स्टार्ट हो गए हैं एंड एक हार्ड वर्किंग लेडी यहाँ पे रामफल बेच रही है, आंटी बेच रही है। देखिए अभी उनका कटिंग चल रहा है, इस तरह से डिश बना रही है। देखो ये यहाँ का रामफल है। ये कैसा लगता है, ये टेस्ट में कैसा रहता है? खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। ये कितने का प्लेट है? 20 रुपए की। 20 रुपया। ये क्या सीजन वाइज आता है, मिलता 300 रुपए से दिन? नहीं, 12 माह नहीं आता। अभी अब चालू हो गया, अब दिखेगा। मतलब भाई अभी क्या विंटर में आएगा? ठंडी ठंडी में चलेगा। ठंडी में चलेगा, बाद में बंद हो जाएगा। ये अंदर का भी खाना रहता, ऊपर का भी खाना रहता, कैसा रहता है? पूरे डायरेक्ट खा जाते हैं? ये क्या डाल रहे हैं आप? ये क्या डाल दिया आपने? मसाला है। ये आंटी कितने टाइम से आप बेच रहे हैं? आज ही लाए पहली बार। तो इससे पहले क्या मतलब और क्या करते थे आप? और चूड़ी माला बेचते। और क्या करते है? क्या करते हैं? अपना दुकान लगा दी चूड़ी माला का। अच्छा, ताजी लाए, पहले दिन है, फर्स्ट डे। ये गंगा का किनारा है पूरा। यहाँ पे ये आंटी बेच रही है रामफल। एक प्लेट हमको भी दे दीजिए। इसमें कुछ कच्चा पक्का वो नहीं रहता है, कैसे पता लगता है ये पक्का है? ये पक्का बीज से पता चलता है, इससे अंदर से। अच्छा, इसमें कच्चा भी होगा, कच्चा भी दिखाओ ना, कच्चा कैसा रहता है? ये तो पक्का ही है ना? ये तो सब पक्का ही है। एक कच्चा दिखाइए ना, एक कच्चा, वो तो कच्चा है ही नहीं। अच्छा, कच्चा है ही नहीं। ये 20 रुपए का प्लेट रहता है। तो रामफली क्यों बोलते हैं इसको? नाम रामफल मतलब क्या है? मतलब भगवान के ऊपर से कुछ है क्या है? मतलब राम जी ने खाया था। राम जी ने खाया था, मतलब भगवान ने खाया था, ऐसा बोल रहे हैं? उसके लिए फेमस हो गया सर? बोल रहे हैं कि पंजाब में, जम्मू कश्मीर में ज्यादा होता है। देखो ये ठंडे एरिया में ज्यादा होता है, हमारी प्लेट ये लग चुकी है। कहाँ पे? देहरादून में भी मिलेगा? देसी भाषा में। कहाँ पे? देसी भाषा में हमारे इलाके में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गुगिया बोलते हैं। गुगिया। गुगिया क्या? क्या जो बोल रहे हैं? गुगिया। गुगिया। गुगिया वो बोलते हैं। अच्छा, देसी लैंग्वेज में तो गुगिया भी बोलते हैं। हरिद्वार में यहाँ पे राम इनके देश में बोलते हैं गुगिया। यहाँ पर ये पहाड़ी फल होता है, इनके यहाँ पे होता होगा तो ऐसा नहीं होगा, खाने में नहीं होगा स्वाद। वो इसमें क्या आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इसके राम फल। यहाँ पे राम फल बोल रहे हैं लोग। चला है 5 दिन के बाद बहुत बिकेगा यहाँ। आंटी एक प्लेट दे दो ना, लगा दो ना। बस बस, हाँ थोड़ा ही डालना, मसाला डालना पड़ेगा। हाँ, मसाले भी स्वाद आता है। अच्छा, मेरे को ऐसे भी टेस्ट लेना था सिंपल, इसके वजह से। तो देखो ये हमारी यहाँ पे रामफल की डिश लग चुकी है। तो ये कितने का आंटी? 20 रुपए का। 20 रुपए का, वाह। देखो तो सीजन आते हुए यही भी बेचेंगे आप? 4 महीने अभी यही बेचेंगे, 4-5 महीने। देखो ये हमारी रामफल की यहाँ पे डिश लग चुकी है और अभी हम लोग हरिद्वार के टूर पर है। देखिए तो ये यहाँ का माहौल है अभी का। तो आंटी कितनी डिश बेचती होंगी ये? कितना किलो बेचती होंगी डेली का? है किलो का कितना? 200 रुपया किलो। अगर किलो आपको चाहिए तो 200 रुपये किलो मिलेगा ये, और ऐसे प्लेट में चाहिए तो 20 रुपये का मिलेगा। आंटी ये कौन सा एरिया बोलते हैं? हरकीपुरी में ना। ये गंगा का किनारा, यहीं पे आरती होती नहीं? तो देखो आरती जहाँ पे होती है वहीं पे हम लोग खड़े हैं। आंटी यहाँ पे टाइमिंग क्या, आप कितने टाइम से लगा? सुबह लगाते थे? सुबह कितने बजे आते हैं? 8 बजे 7 बजे आ जाते हैं। फिर रात के कितने? 8-9 बजे तक रहते हैं? 6-7 बजे तक। देखो यहाँ पे आंटी आपको मिल जाएंगी रामफल खाना हो तो आपको। ये यहाँ पे देखो ये फ्रूट का डिश भी लगा रहे। देखो इनका हस्बैंड है साथ में, देखिए। तो ये अंकल यहाँ पे फ्रूट डिश लगा रहे हैं। ये अंकल कितने का रहता है फ्रूट डिश? 20 रुपया सिर्फ ओनली। देखिए 20 रुपया। इसमें पपैया है, केला है। तो लोग अंकल यहाँ पे काफ़ी पसंद करते हैं ये सब खाना। ये रामफल आप जो बोल रहे हैं फ्रूट डिश है, देखिए काफ़ी पसंद कर रहे हैं। देखो ये आंटी है, उनकी वाइफ है, तो वो रामफल यहाँ पे बेच रही है कटिंग करके।